ये देखिए हमें यहाँ पर क्या मिला है। ये एक छोटा सा इंडियन रैट स्नेक है जो हमें देखकर मुझे अचानक से यहाँ पर पत्तियों में इसके भागने की एक थोड़ी सी भनक लग गई और मैंने इसका पीछा किया। ये इस पेड़ के ऊपर चढ़ने के बारे में सोच रहा था, शायद यहाँ पर ये हमें देखकर भाग रहा था या फिर शिकार की तलाश में भाग रहा था, पता नहीं। लेकिन एक बात तय है कि यकीनन ये वो सांप नहीं है जिसकी तलाश में हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था वो बड़ा था, शायद अजगर था, लेकिन ये तो ना तो बड़ा है ना अजगर की तरह दिखता है, इसीलिए ये वो नहीं होगा। ये मुझे ख़राब कर रहा है यहाँ पर। रैट स्नेक जो है वो जहरीले नहीं होते हैं और आपको इसके नाम से पता चल गया होगा कि ये चूहे खाना बेहद पसंद करते हैं, इसीलिए इसे रैट स्नेक कहा जाता है। कई लोग मानते हैं कि इसकी पूँछ में जहरीला कांटा होता है, लेकिन ये भी एक झूठ और मनगढ़ंत कहानी। आप देख सकते हैं मैं इसकी पूँछ को छू रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये था इंडियन रैट स्नेक। मेरे ख्याल से ये सांप हर खेत में या ऐसे बड़ी वाड़ियों में होने चाहिए, क्योंकि ये चूहों की आबादी को नियंत्रित रखते हैं, इसीलिए हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम इस सांप को आज़ाद कर देते हैं, जहाँ पर ये जा रहा था वहीं पर। ये देखिए कितने खूबसूरती से ये जा रहा है। मैं काफ़ी लंबे समय से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे उसके मिलने के आसार हैं, नज़र नहीं। अरे अरे यहाँ पर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो यहाँ पर, देखो ये देखिए दोस्तों, क्या क्या नज़ारा है यहाँ पर। देखो एक काम करो, यहाँ पर ऊपर चढ़ जाओ, नहीं तो ये वो कैमरा लाओ मुझे, दे दो इसे पकड़ो। इलावत, क्या बात है। ये है दो वयस्क इंडियन रैट स्नेक्स जो ठीक मेरे पीछे ही यहाँ पर थे, आप देख रहे हैं। ये ठीक है, हिलना मत, ज़्यादा हिलना मत, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कांटे भी हैं, लेकिन उन्हें हमारी यहाँ पर होने की भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना वो यहाँ से भाग जाएंगे और मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इस वक्त गर्मी का मौसम है, इसलिए ये सांप बाहर निकल, ओ ये जा रहे हैं यहाँ से, देखिए आप ये जा रहे हैं, ठीक है हिलना मत। ओह इसने हमें देख लिया है यहाँ पर। ये इलाका काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर भी काफ़ी जगह है, यहाँ पर भी काफ़ी जगह है। चलो पहले यहाँ पर देख लेते क्या है। सांप छिपने में माहिर और छलावरण के उस्ताद होते हैं, ऐसे में मुझे अपनी सारी इंद्रियों को सतर्क रखना जरूरी है। इसे देखिए जनाब, ये कितनी खूबसूरती से यहाँ पर छुपा हुआ है। मेरी नज़र अगर इस पर नहीं पड़ती तो हम इसके बगल से गुजर जाते और हम इसे कभी देख भी नहीं पाते। एक बेहतरीन छलावरण, ये है एक इंडियन रैट स्नेक, ज़बरदस्त है। चलिए इसे मैं उस तरफ से जाकर देखने की कोशिश करता हूँ। अभी तक इस सांप ने मुझे देखा नहीं, इसलिए ओ देख लिया। यहाँ पर उसकी गर्दन उस तरफ है और मैं इसके पीछे से जा सकता हूँ। वैसे हम इसे पकड़ने नहीं वाले, क्योंकि यकीनन ये वो सांप नहीं है जिसे ढूंढने के लिए उन लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया है। बड़ा ही खूबसूरत है और कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर ये बैठा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसे देखिए तो हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन रैट स्नेक्स अच्छे होते हैं, ये चूहों को खाते हैं और ये जहरीले नहीं होते किसी भी रूप में, इंसान के लिए ये हानिकारक नहीं होते हैं। और यहाँ पर ये आराम फरमा रहा है, तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि ये इलाका इसका घर है। वैसे ये काफ़ी खूबसूरत है, लगभग 3 या 4 फीट का तो होगा ही। चलिए इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं।